हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मानी शर्मा, योर एजुकेटर. इन दिस पर्टिकुलर वीडियो आज हम यूजीसी एनटीए द्वारा जो नई नोटिफिकेशन व्हिच केम ऑन द 29th of April उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं. सो वी नो दैट ऑफ कोर्स बहुत सारे बच्चों की ये कंफ्यूजन आ रही थी कि मैम यूपीएससी का एग्जाम है ऑन द 16th of June, देन व्हाट टू डू, और दो ही कंपिटिटिव एग्जामिनेशन ऑन द सेम डेट कैसे फॉल कर सकते हैं, राइट? सो टू मेक थिंग्स इजियर फॉर द स्टूडेंट्स, एनटीए ने ये एक स्टेप लिया है जहां पे दे हैव ट्राइड टू पोस्टपोन द डेट ऑफ द एग्जामिनेशन. एग्जामिनेशन की डेट को पोस्टपोन करके फ्रॉम 16 जून 2024, जो कि अर्लियर डेट थी, उससे 18 जून 2024 कर दिया गया है. ये पर्टिकुलर नोटिफिकेशन हमारी 29 अप्रैल यानी कि 29th of April को दिस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन केम, जिसमें हम लोग पहले ही एप्लीकेशन फॉर्म्स के बारे में बात कर चुके हैं. सो वी नो दैट ये पर्टिकुलर कंफ्यूजन वॉज इन द माइंड ऑफ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स. सो उसका हल जो है सभी को अभी मिल गया है. कमिंग टू द पॉइंट हियर कि ये चीज उन्होंने अपने नोटिफिकेशन में मेंशन करा है बिकॉज ऑफ द यूपीएससी सीएसई प्रीलिम्स की एग्जामिनेशन, जो कि सेम डेट 16 जून 2024 को फॉल कर रही है. उस वजह से डेट जो है वो अब पोस्टपोन करी गई है बाय 2 डेज, दैट इज 16 की जगह पे अब 18 जून को जो है वो एग्जाम होगा. कमिंग टू द पॉइंट, एक और इम्पोर्टेंट है जिसमें अगर हम बात करें कि हमारे एप्लीकेशन फॉर्म्स जो थे विद रिगार्ड्स टू यूजीसी नेट, वो एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो अभी भी ओपन है. यानी कि 20 तारीख से फ्रॉम द 20th of April 2024, 10 मई 2024 तक आप अभी भी फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं यूजीसी नेट का. एक चेंज जो मेजर हमें देखने के लिए मिला, जिसके ऊपर ऑलरेडी दृष्टि टीचिंग एग्जाम्स के थ्रू वीडियोस बनाई जा चुकी हैं, दैट वाज दैट फ्रॉम द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड चीजें जो हैं इस दफा ओएमआर शीट पे कर दी गई हैं फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स. इट मींस इस बार जो आपका पेपर होगा वो पेन पेपर बेस्ड पेपर होने वाला है, राइट? इट इज गोइंग टू बी एन एग्जामिनेशन विच इज गोइंग टू बी हेल्ड इन द फॉर्म ऑफ ओएमआर, नॉट द सीबीटी. योर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं होगा, राइट? वी ऑल नो दैट नेट का एग्जामिनेशन, अगर नेट के पैटर्न की थोड़ी सी आप लोग के साथ बात करूं, तो नेट के पेपर में हमारे पास दो पेपर्स आते हैं, जिसमें पेपर वन होता है जो सबका जनरल होता है, यानी सिलेबस जनरल होता है, पेपर जनरल नहीं होता है, राइट? सो इन दिस पर्टिकुलर वन 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ऑफ 2 मार्क्स ईच, व्हिच मेक्स इट 100 मार्क्स का पेपर, राइट? ऑन द अदर हैंड वी हैव पेपर टू. पेपर टू आपकी मास्टर्स जिसमें आपने करी है पोस्ट ग्रेजुएशन विद 55% ऑफ मार्क्स विदाउट राउंडिंग देम ऑफ. बट हां जी, जो और कैटेगरीज हैं उनके लिए 5% ऑफ रिलैक्सेशन है. तो मास्टर्स आप जो करे हैं इन यू नो योर पेपर टू, वो आपका पेपर सब्जेक्ट स्पेसिफिक हो जाएगा. नाउ एक और चेंज इंट्रोड्यूस करा गया बाय यूजीसी नेट, दैट जो भी बच्चे अपने बैचलर्स इंटीग्रेटेड में है, यानी कि 4 इयर्स वाला बैचलर प्रोग्राम जो है, फोर इयर्स वाला जो बैचलर प्रोग्राम है इंटीग्रेटेड, उसमें बच्चे जो हैं 75% ऑफ मार्क्स जिसके आ जाते हैं, दैट स्टूडेंट इज एलिजिबल टू सिट फॉर द एग्जामिनेशन. लेकिन ये हम लोग ने ऑलरेडी भी बात करी हुई है कि ये बच्चे जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अपनी पीएचडी करना चाहते हैं, उसी सब्जेक्ट का पेपर फ्रॉम द लिस्ट ऑफ यू नो सब्जेक्ट ये चूज कर सकते हैं. सेकेंड थिंग ये है कि ये बच्चे जो हैं, इनको ये चीज इम्पोर्टेंट है जानने के लिए कि ये सिर्फ और सिर्फ अपने जेआरएफ और पीएचडी के लिए ही बैठ सकते हैं, बट फॉर नो असिस्टेंट प्रोफेसरशिप. यानी कि बैचलर्स वाले बच्चे का अगर नेट क्लियर हो जाता है तो वो असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं लगेगा, वो सिर्फ अपना जेआरएफ पीएचडी के थ्रू और पीएचडी नॉर्मल परसू कर सकता है, ठीक है? अब और चीज विद रिगार्ड्स टू दिस वन विच वॉज लेफ्ट, कि दो पेपर्स होते हैं, हमने बात करी पेपर वन पेपर टू.
पेपर टू में आपके 100 क्वेश्चंस आते हैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक, ये भी 2 मार्क्स के होंगे, तो 200 मार्क्स का आपका ये पेपर। इन टोटालिटी कितने मार्क्स का पेपर बन गया ये हमारे, 100 प्लस 200 मेक्स इट 150 क्वेश्चंस, यानी कि 300 मार्क्स का ये टोटल पेपर, विच हैपन्स इन अ सिंगल 3 आवर ड्यूरेशन, यानी कि 3 घंटे में ही आपको पेपर 1 जिसमें 10 यूनिट्स होती हैं उसके साथ साथ अपना सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर जो है उसको डील करना पड़ेगा, राइट। सो ऑफ कोर्स आई होप ये चीजें आपके लिए क्लियर हो गई हो, ये डाउट क्लियर हो गया हो विद रिगार्ड्स टू दिस थिंग कि 16 जून से पेपर जो है अब पोस्टपोन करके इट हैज बीन शिफ्टेड टू एज इन द नोटिफिकेशन अर्लियर डेट 16 से 18 जून जो है वो शिफ्ट कर दी गई है, राइट। सो आई होप दिस थिंग वॉज क्लियर। आई विल सी यू गाइज अगेन इन सम अदर वीडियो। टिल देन कीप ऑन स्टडिंग। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।